एक राजा ने दो गरुड़ के बच्चे खरीदे और एक गरुड़ को आकाश में उड़ाया। गरुड़ तुरंत ही आसमान में उड़ान भरने लगा। दूसरे गरुड़ को जब राजा ने उड़ाने की कोशिश की तो वह अपनी डाल छोड़कर उड़ ही नहीं रहा था। राजा परेशान हो गया तो राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी इस दूसरे गरुड़ को उड़ाएगा उसे इनाम में सोने के सिक्के मिलेंगे। इनाम के लालच से कई लोग आए लेकिन कोई भी गरुड़ को उड़ा नहीं सका। तभी वहां एक गरीब किसान आया तो सब सोचने लगे, क्या ये गरीब किसान भला इस गरुड़ को उड़ा पाएगा। किसान गरुड़ के पास गया और कुछ ही देर में वापस आ गया। राजा ने आकाश की ओर देखा तो दूसरा गरुड़ पहले गरुड़ से भी ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा था। राजा ने किसान से पूछा, तुमने ये कैसे किया? किसान ने कहा, राजा साहब मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वह गरुड़ जिस डाल पर बैठा था वह डाली ही काट दी और गरुड़ अपने आप उड़ने लगा। ठीक इसी तरह हमारे अंदर का भी गरुड़ जो मिलता है उसी में संतोष मान लेता है, चाहे वो छोटी बड़ी नौकरी हो या कोई खानदानी व्यापार हो। इसलिए याद रखे, आपकी डाल को कोई काटने नहीं आएगा। आसमान में ऊंची उड़ान भरने हैं तो अपनी डाल खुद तोड़नी होगी।